ये मैंने घुमा दिया इसका व्हील, ये घुमाया व्हील, और यहाँ पे हमारा जो मीटर होता है 1, 2, 3 वाला रीडिंग, वो नहीं चल रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो आज मेरे पास TVS की अपाची 160 बाइक है और इस बाइक का जो स्पीड वाला मीटर होता है वो नहीं चल रहा है। तो मैं चाबी को ऑन करता हूँ, ये मीटर नहीं चल रहा, जिससे हमारा मीटर बताता है कि हमारी बाइक कितनी भाग रही है और कितने पे चल रही, तो वही वाला मीटर बंद हो गया। तो मैं इसका जो व्हील है फ्रंट वाला, ये देखो, ये मैंने व्हील घुमाया और यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ मीटर, तो मीटर में कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रही है। तो इसी को सही करना है, तो चलो आप लोगों को बताएंगे कि इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या हुई है। तो इसका तो मीटर नहीं चल रहा, वो आप लोगों ने देख लिया। तो अब यहाँ पे जो होता है, इसका सेंसर होता है व्हील में जो लगा होता है सेंसर, और ये एक वायर होती है, वायर में भी सेंसर है लेकिन इसमें केबल वगैरह नहीं होती है। तो ये जो सेंसर है, सेंसर ख़राब है या कुछ और ख़राब है, पहले हम इसका सेंसर नहीं खोलेंगे, पहले हम इसकी जो वायरिंग है वायरिंग चेक करेंगे, वायरिंग में कोई फॉल्ट है क्या। तो क्योंकि यहाँ पर पूरा सेंसर है इसका और ये वाला भी सेंसर है, तो इसमें दो सेंसर है, एक व्हील में लगा रहता है और एक अलग से वायर में सेंसर होता है। तो यहाँ से हम वायर हमारी यहाँ से गई हुई है और यहाँ पे अटैच है वायर, तीन इसमें वायर होती हैं। तो चलो इनकी वायर जो है वो निकालता हूँ, ये कपलर में तीन वायर हैं, तो यहाँ से देखता हूँ सबसे पहले कोई वायर काटी तो नहीं है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कपलर में, यहाँ पर और आगे की तरफ पूरा यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से तो कोई वायर मुझे कटी हुई लग नहीं रही है, लेकिन जो इसका मीटर है वो नहीं चल रहा है, तो शायद इसका जो सेंसर है वो ख़राब हो गया हो। तो चलो को देखते हैं, पहले वायरिंग पूरी चेक करते हैं ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक चेक करते हैं। इस जगह पे कटी हुई है, ये यहाँ पे आप लोगों को मैं पास से दिखाता हूँ, ये देखो, इसे निकालते हैं बाहर यहाँ से। और अब आप लोग देखो यहाँ पर जो हमारी रेड वाली वायर होती है, जो ये देखो जो मेन वायर है रेड, तो रेड वाली वायर अलग है, कटी हुई है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, देखो दोनों वायर कटी हुई है। तो चलो वायर को ज्वाइंट करते हैं और फिर इस वायर को ज्वाइंट करने के बाद देखते हैं चालू करके चालू होती है या चालू होता है या नहीं, जो हमारा मीटर बंद है वो चालू होता है या बंद रहता हो, क्योंकि इसका वायर तो टूटी हुई है लेकिन सेंसर भी देखना पड़ेगा अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले यहाँ से हम वायर को ज्वाइन करते हैं, वायर शायद वायर जोड़ने से हमारा मीटर जो है वो चलने लगे। तो एक ब्लेड से मैं इसे फाड़ लेता हूँ और फिर इसकी जो वायर है वो ज्वाइन करते हैं। अब मैं इसे कटर से छील लेता हूँ वायर को, और यहाँ पे ये वाली और ये वाली रेड वाली वायर जो होती है मेन, वही कटी थी, तो यहाँ पे अब वायर हमारी छोटी पड़ जाएगी। ये देखो जॉइंट नहीं होगी, तो इसमें एक अलग से वायरिंग वाली वायर लेते हैं, वायरिंग वाली, उसे अटैच करते हैं, लगाते हैं। ये मैंने लिया है एक वायर अलग से छोटी, और इसे भी मैं छील लेता हूँ यहाँ से, इसे और यहाँ से इसे छील लेता हूँ। और चलो इसको अब मैं जॉइन कर देता हूँ, जो रेड वाली वायर में जो हमारी टूटी वायर थी उसी में जॉइन कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम देखो सेंसर वायर डालने जाएं तो वो महंगी होगी, काफ़ी महंगी होगी, 200-300 रुपए से कम की वायर नहीं होगी। तो इस वजह से हम इसी को लगाएंगे, चेक करेंगे वायर ज्वाइन करके, हो सकता हो हमारा मीटर चलने लगे। अगर हम पूरा सेंसर डालने जाएंगे तो महंगा पड़ जाएगा। तो चलो वायर हमारी ज्वाइंट हो गई है, अब मैं इसमें प्रॉपर टेप मार लेता हूँ पहले, और फिर आप लोगों को व्हील घुमा के इसका मीटर जो है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमको टेप मारना, देखो टेप मारना भी बहुत ज़रूरी है, वायर तो हमने ज्वाइन कर दिया, टेप भी मारना ज़रूरी है, वरना इसमें पानी जा के और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से टेप मार देना, यहाँ पे पूरा पैक कर देना है। टेप हमने मार लिया, ये देखो यहाँ पे पूरा टेप मार दिया, पैक कर दिया। अब इसमें जो पानी जाने की कोई भी वो नहीं है, पानी नहीं जाएगा। अब तो यहाँ पर जिसकी रबर वगैरह निकली थी सेंसर की वायर की, ये सब लगा देते हैं यहाँ पर, इसे ये रबर यहाँ की है तो यहाँ पे इसे भी अटैच कर देते हैं, यहाँ पे ये लगेगी। और उसके बाद इसका व्हील घुमाते हैं और फिर चेक करते हैं हमारा जो मीटर है वो चला या नहीं चला। तो चलो इसे बाद में लगा दूंगा मैं, पहले आप लोगों को इसका व्हील घुमा के मीटर चेक करा देता हूँ। ये मैंने व्हील घुमाया और मीटर देखता हूँ चल गया, चलो खुशी हुई, मीटर जो बंद था वो चालू हो गया बिना कुछ चेंज करे, ना तो हमने कोई वायर चेंज करा, ना तो इसका कोई सेंसर वगैरह, तो सिर्फ ख़राब था। तो इसकी जो वायर टूटी हुई थी, बस देखो व्हील घुमा रहा हूँ, मीटर हमारा चल रहा है, ये देखो चल रहा है। तो यही मीटर बंद था,
बाकी चलो आप लोगों को ये तो जानकारी एक छोटी सी मुझे देना था कि इसका जो अगर मीटर बंद हो जाता है तो आप लोग कुछ इस तरीके से वायर वगैरह चेक कर लो, कहीं से कटी वगैरह तो नहीं, क्योंकि ये कट जाती है, हार्ड हो जाती है, फट जाती है और कट जाती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे हमारा देखो सेंसर लगा होता है, पूरा सेंसर से काम होता है, हम ऐसे चेक भी नहीं कर सकते बिना सेंसर नया डाले। तो चलो ये वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और बेस्ट वीडियो के साथ।